हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉन एकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेवन्थ की सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है समानता। इसे इंग्लिश में कहते हैं इक्वालिटी। जो समानता के बारे में है, हमारे संविधान में लिखा गया है, संविधान के अनुच्छेद में लिखा गया है इसके बारे में। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे समानता के बारे में। समानता का मतलब होता है बराबर होना, या किसी एक दूसरे से भेदभाव ना करना, या जिनको समाज में समान माना जाता है, बराबर माना जाता है, तो उसे समानता कहते हैं। अगर किसी से जाति, रंग भेद आदि के नाम पर भेदभाव किया जाता है तो उसे असमानता कहते हैं। तो समानता का मतलब हुआ जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सारे मिलकर आपस में प्यार से रहते हैं, तो वही समानता है। किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होता, ठीक है। तो भारत के लोकतंत्रीय, भारत एक लोकतंत्रीय देश है। कक्षा सिक्स की पुस्तक में हमने लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था आपने, जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता, न्याय। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा था। यहाँ पर खड़े हैं छोटे लाल किसान, यहाँ मंजीत कौर शिक्षिका, यहाँ तेजा सिंह व्यापारी, यहाँ गिरीश राव छात्र, यहाँ कांता देवी घरेलू कामगार करती, सुजाता कुमारी घरेलू कामगार वाली हैं। और चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतजार कर रही हैं। तो यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है जहाँ पर लोग चुनाव की लाइन में लगे हुए हैं और वेट कर रहे हैं वोट डालने का। तो आपस में लाइन में लगे हुए उनकी बात हो जाती है। तो कितनी अच्छी बात है ना सुजाता, कि हम सब के सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो आपस में बातें कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर सभी को वोट डालने का अधिकार है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। फिर चल कांता, अब तेरी बारी आई, मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया है। तो उन्होंने, जो कांता ने क्या बोला कि मैं तो उसको वोट दूंगी जिन्होंने हमारे यहाँ पर पाइपलाइन डाली थी, पानी की पाइपलाइन। और भी लोग खड़े हुए हैं लाइन में, अब्दुल रहमान कारीगर, शबनम बानो गृहिणी, ग्रेसी लेलिंग परामर्शदाता, आईजेक लेलिंग सरकारी अधिकारी, रुखसाना मिर्जा मीडिया कर्मी, योगराज बेरोजगार, अशोक जैन उद्योगपति, ये सब आपस एक के बाद एक खड़े हुए हैं। किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है वोटिंग लाइन में भी, और ना कहीं पे पूरे भारत में। कुछ देर बाद में आना कांता जी, नमस्ते साहब, गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर का काम कर आऊं। और उसने कुछ पैसे उधार ले आऊं, उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊं। तो आपस में बात करें कि मैं थोड़ा काम करके आ जाती हूं, उनसे थोड़े पैसे उधार ले आती हूं, क्योंकि मेरी जो बेटी गुड़िया है वो बुखार में पड़ी हुई है घर पर। जब आ जाती हैं, ले ये पी ले, कुछ अच्छा लगेगा तुझे। और मैं जब शाम को लौटूंगी तो अपना अस्पताल अपन अस्पताल चलेंगे, ठीक है। तो अपनी बेटी से कह रही है कि अपन कहाँ, अपन मतलब हम कहाँ चलेंगे, फिर अस्पताल चलेंगे। गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा, इस बस्ती में तो कभी साफ़ सफाई होती ही नहीं है। तो उसकी माँ कह रही है गुड़िया की कि जो गुड़िया बीमार पड़ी है वो इनकी बस्ती में सफाई तो होती नहीं है, जिसके चक्कर में वह बीमार पड़ जाती है बार बार। यहाँ पर आ गई है अब वो, कोनों को अच्छे से साफ करना, उसकी मैडम बोल रही है। कांता ये ले तेरे पैसे, पर पहले से पैसे मांगने की आदत मत बना समझी, ऐसे कह रही है उसकी मैडम। जी मैडम नहीं बनाऊंगी, ये नौकरानी है इसलिए ऐसे बात कर रही हैं।
बस जरा सी देर और बेटी लाइन में लगी भी अपनी बेटी को लेकर। जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े रहे हों, पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता है। तो क्योंकि वो पैसे वाले हैं, वो आगे जाकर पैसे दे के आगे अपने बच्चे का इलाज करा लेते हैं, अपना इलाज करा लेते हैं। वो कह रही है वोटिंग लाइन में तो एक के बाद एक लगते हैं, पर वैसे जब वो इलाज कराने जाते हैं तो उनको लाइन में नहीं लगना पड़ता। मताधिकार की समानता, मताधिकार मतलब वोट डालने की समानता। कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। दोबारा देख सकते हो आप जो लाइन में खड़े हुए हैं, यहाँ पर एक के बाद एक खड़े हुए हैं, फिर ये खड़े हुए हैं लाइन में, ठीक है। पुनः मतलब दोबारा देखो। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी। भारत जैसे एक लोकतंत्रीय देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है। आपको याद होना चाहिए, भारत जैसे देश में, लोकतंत्रीय देश में सभी को वोट देने का अधिकार है जिनकी उम्र 18 या उससे ऊपर है, चाहे उनका धर्म कोई सा भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर हो। इसे जैसा कि आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ पर। इसे क्या कहते हैं? इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। ये आपको आपके पेपर में आएगा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहा जाता है। तो आपको लिखना है, भारत जैसे एक लोकतंत्र देश में सब वयस्कों को वोट यानी कि मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे अमीर हो या गरीब हो, तो सबको वोट डालने का अधिकार है। इसको ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। और यह भी लोकतंत्र का आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर व्यक्ति, वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उनका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, को एक वोट का हकदार है, यानी हर किसी को एक ही वोट डालने का अधिकार होता है। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें मेन था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है, बाकी हम डायरेक्ट आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। फिर आते हैं अन्य प्रकार की असमानताएं। समानता तो पता है, किसी के साथ भेदभाव ना होना। असमानता का मतलब होता है भेदभाव होता है जहां पर। कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन, दैनिक मतलब रोज का जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर है। समानता मतलब उनके साथ नहीं होती है कई बार, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो हॉस्पिटल की लाइन में हो। तो अमीर तो जो होते हैं उनको तो पहले ही इलाज भी मिल जाता है और एडमिशन यानी कि दाखिला भी पहले मिल जाता है, पर गरीब लोगों को ज़्यादा सहना पड़ता है, कई बार असमानता का सामना उनको करना पड़ता है, ठीक है। तो मेन बातें पढ़ रहे हैं हम। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। तो भारत के अंदर कौन सी असमानता ज़्यादा प्रचलित है जो होती है? जातिगत व्यवस्था यानी कि जाति के नाम पर भेदभाव भारत में ज़्यादा देखा जाता है। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी सी आयु में ही हो जाता है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको पता ही चल गया होगा कि गांव में तो ज़्यादा होता है जाति के नाम पर भेदभाव शहरों की तुलना में, शहरों में थोड़ा कम होता है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद ये सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते, और अगर आप शहर में रहते हैं तो आप सोचोगे अब नहीं रखते कोई विश्वास जात पात में। परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र का वैवाहिक
विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देखते हैं, कुर्मी क्षत्रिय, बीएससी माइक्रोबायो, एमएससी बायोटेक, बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर प्राइवेट कॉलेज हेतु सजातीय वर चाहिए। ब्राह्मण जी जोदिया बुंदेलखंडी, ब्राह्मण ध्रुव कौशल गोत्र, एमए 3 वर्षों एवं अन्य डिप्लोमा कोर्स अन्य कोर्स करने हेतु वर चाहिए, सर्व ब्राह्मण मान्य। तो यहाँ पर माँ ब्राह्मण की मान बात की गई है, तो इससे पता चलता है बहुत जगह पर शहरों में भी भेदभाव जैसी चीजें देखी जाती है। आइए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभवों के बारे में पढ़ें। दलितों के बारे में आप पहले ही पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हो, है ना? दलित का मतलब भी जान चुके हो, दलित का मतलब क्या होता है फिर बता देता हूँ मैं। जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, ठीक है? इसका मतलब होता है ये, तो कुचला हुआ या टूटा हुआ दलित का मतलब होता है। इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं जो 1950 में थे, 1913 में उनका देहांत हो गया। मैं अपनी पुस्तक झूठन में लिखते हैं, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने? आत्मकथा लिखी थी अपनी झूठन। स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को, एक प्रसिद्ध लेखक लेखक थे वो, दलित लेखक, वह भी जमीन पर अपने बैठने की जगह एक तक तक आते आते चटाई छोटी पड़ने लग पड़ जाती थी उनको। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखाई देते दूर से। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे टीचर उनकी। जब वे कक्षा 4 में थे, प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को भी कहा था। वे लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी, धूल से चेहरा सिर अंट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और झाड़ू लगा रहा था मैं झाड़ू लगा रहा था। सारे तो पढ़ रहे थे, वो झाड़ू लगा रहे थे। इनकी पुस्तक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की झूठन। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी उनको। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों की खिड़की दरवाजों में मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही, और यह कर्म तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। तो उनके पिता ने जब देखा कि वो झाड़ू लगा रहा है मेरा बेटा, उन्होंने शिक्षकों का साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए, मास्टर यूँ यहीं पढ़ेगा इसी मदरसे में, और यूँ ही नहीं, इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को, यानी ऐसे बोलते हुए गए उनके पिताजी। दूसरी कहानी है एक ऐसी घटना पर आधारित जो भारत के एक बड़े शहर में घटी। देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। ये कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने मदद लेने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। वह पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपत्ति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। अब उन हस्बैंड वाइफ को मकान अच्छा लगा जो डीलर ने दिखाया था उनको।
और उन्होंने डिसीजन लिया, निर्णय लिया वो लेने का मकान। फिर जब मकान मालिक ने उनके नाम सुने तो बहाने बनाने लगे कि वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपत्ति दोनों ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पड़ोस से मछली खाने की गंध आ रही थी। अब जब उनको पता चला इनका अंसारी है, सरनेम अंसारी कौन होते, मोमडन होते हैं, तो उन्होंने उनको मना कर दिया। पर जब उन्होंने स्मेल करा तो कहीं से उनके पास से ही उसी बिल्डिंग में से मछली बनाने की खुशबू आ रही थी, यानी कि गंध आ रही थी। तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि हमें तो मना कर दिया इन्होंने। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपत्ति सुन के आश्चर्यचकित हो गए थे। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे, यही बहाना दोहराया गया। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। अंसारी दंपत्ति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे। उन्होंने बोला अंसारी से बदलकर कुमार रख लो आप अपना नाम सरनेम, पर उन्होंने मना कर दिया। इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अतः अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालिकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार हुई। 1 महीने बाद इतनी तकलीफ का सामना करना पड़ा उनको। ठीक है, तो ऐसे ऐसे किस्से देखे जाते हैं असमानता पर, मानवीय गरिमा का मूल्य। अब तक आप समझ गए होंगे कि प्राय कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इसी कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ, उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जाति का तो धर्मगत कारणों से हुआ, जाति का तो धर्मगत कारणों से हुआ। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साथ हुआ जाति के नाम पर, अंसारी परिवार के साथ हुआ धर्मगत के अनुसार। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपत्ति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया। उन्हें महसूस कराया कि विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं, उनसे कमतर हैं। और ऐसे ही अंसारी दंपत्ति को नहीं दिया गया मकान तो वो धर्म के नाम पर भेदभाव किया गया। यदि आप अंसारी परिवार के एक सदस्य होते तो प्रॉपर्टी डीलर के नाम बदलने के सुझाव का उत्तर किस प्रकार देते? तो ये आपको खुद करना है। क्या आपको अपने जीवन की कोई ऐसी घटना याद है जब आपकी गरिमा को चोट पहुंची हो? उसका उस समय कैसा महसूस हुआ होगा? कभी ऐसा आपके सामने किस्सा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि जब आपको लगा हो कि आपके साथ, मतलब आपकी गरिमा को, डिग्निटी को ठेस पहुंचाई है किसी व्यक्ति ने। यहाँ देख सकते हो आप 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। ये किसी मूवी का सीन है। तो बोलता है कि मेरे पैसे उठा कर दो मुझको। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शिक्षक, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हुए, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, भारत के संविधान में लिखा हुआ है सबको समान माना जाएगा, संविधान में लिखा, पर कई बार हर जगह ऐसा नहीं देखा जाता है। कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है और भेदभाव दुर्व्यवहार से लोगों की सुरक्षा करने का कानून के लिए कोई कानून नहीं था। अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। बहुत सारे कानून बना दिए गए हैं, यहाँ आप सब यही पढ़ोगे कि बहुत से कानून हो गए हैं जिसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, पर बहुत से कम जगह ऐसी हैं जहाँ पर आज भी भेदभाव देखा जाता है।
इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्य भोजन की व्यवस्था। इसके अंदर मिड डे मील दिया जाता है स्कूलों के अंदर, जिसमें सभी धर्म जाति के लोगों को एक समान भोजन दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर प्रारंभ करने के निर्देश दिए थे। जो मिड डे मील सरकारी स्कूलों में दिया जाता है वो 2001 से स्टार्ट हो गया था, तमिलनाडु में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, फिर पूरे भारत के अंदर। यह भीमराव अंबेडकर, जिनके बारे में आप 6th क्लास में पढ़ चुके हैं, इनके साथ भी जाति के नाम पर भेदभाव हुआ करता था। यहाँ लिखा है अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्तियों को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के साथ उस आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं। ये B.R. अम्बेडकर जी के विचार हैं। अन्य लोकतंत्रों में समानता की के मुद्दे कैसे हैं? शायद आप सोच रहे हो कि भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा जहां असमानता का अस्तित्व है और समानता के लिए संघर्ष जारी है, पर कई बार आपको मैं बता दूं कि अफ्रीका के अंदर भी भेदभाव की समस्या थी और कई और आज भी थोड़ी बहुत कहीं कहीं पे देखी जा सकती है। यहाँ मेन मेन बातों को अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया गया। यहाँ से पढ़ते हैं, रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 के दिन भर काम करने के थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीका अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विश्वास आंदोलन प्रारंभ हो गया। और कौन सा विश्वास आंदोलन स्टार्ट हुआ? विशाल आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन, जिसे कहते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। 1964 में जो नागरिक अधिकार अधिनियम आया था उसने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के अधिकार पर भेदभाव को निषेध कर दिया, यानी कि मना कर दिया। यह है रोजा पार्क्स, एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत जिनके एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमेरिकी इतिहास को दिशा बदल दी थी। लोकतंत्र की कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं? किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष और सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। यानी कि आज भी ऐसा बहुत सारे राज्य जहाँ पर भेदभाव देखा जाता है, तो कोई भी देश को आप पूर्णतः पूरी तरीके से लोकतांत्रिक या समानता से भरा हुआ नहीं कह सकते हो। ये वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आप इसके PDF नोट्स चाहते हैं या वीडियो नोट्स चाहते हैं तो जॉन अकेडमी के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें, जहाँ पर आपको हर क्लास के नोट्स मिल जाते हैं। तो ये हमारा 1st चैप्टर। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।